गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन हो चुके, मजीद जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। काला कोट और काली टाई मुझे अजीज है। हाईकोर्ट बार में रफीक रिजवाना की गुफ्तगू। नई असेंबली नई उम्मीदें, इकतदार की मुंतकली का एक और अहम संग मील अबूत। 358 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असेंबली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने अरकान से हल्फ लिया। अरकान असेंबली का रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करने का सिलसिला जारी। सबसे पहले मखदूम हाशिम जवां बख्त ने दस्तखत किए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लीगी अरकान असेंबली की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर इजलास में शिरकत। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार हल्फ लेने ना आए। सीनियर सियासतदानों ने बतौरे रुकन पंजाब असेंबली हल्फ उठाया। चौधरी परवेज इलाही, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, अलीम खान, मियाँ असलम इकबाल, महमूदुर रशीद और डॉक्टर मुराद रास ने हल्फ उठाया। डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार दोस्त मिजारी फूलों के हार पहनकर और तारिक मसीह गुल जंजीरें पहनकर आए। स्पीकर का इंतखाब हो जाए फिर वजीर आला का ऐलान भी हो जाएगा। असेंबली का माहौल बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। नामजद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। मुखालिफीन पर भी तंकीद, बोले काली और नीली पट्टियां चलती रहती हैं, जो मर्जी बांध लें। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। नवाज शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, लोगों ने वोट शेर को दिया, जीत कोई और गया। हमजा शहबाज की असेंबली की आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। ऐसी ओपोजिशन करेंगे कि इमरान खान को दिन में तारे नजर आएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद पर हुकूमत बनने जा रही है। नए पाकिस्तान की बुनियाद झूठ पर मबनी है। ख्वाजा साद रफीक के कप्तान पर वार, कहा थैलों से वोट निकलते तो इमरान खान मुंतखिब ना होते। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कुल खुफिया राय शुमारी से होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर के लिए चौधरी परवेज इलाही, डिप्टी स्पीकर के लिए दोस्त मोहम्मद मिजारी नामजद। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी मोहम्मद इकबाल, गुज्जर स्पीकर और मलिक वारिस कल्लू डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। नया ऐवान नया जज्बा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सानिया आशिक और हिना परवेज भट्ट की ऐवान में आमद। हल्फ उठाया लीगी एमपीए जेबुन निसा की नवाज शरीफ की तस्वीर ऐवान में ले जाने की कोशिश, सिक्योरिटी अहलकानों ने रोक दिया। आजाद रुकन जुगनू मोहसिन ने भी हल्फ उठाया। हल्के के अवाम के कहने पर हुकूमत बनाने वालों का साथ दूंगा, जुगनू मोहसिन की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी अहलिया के हमरा पंजाब असेंबली आए। आप पर इल्जामात लग रहे हैं, सहाफी का नजम सेठी से सवाल। वक्त कहता है इंतजार फरमाइए, नजम सेठी का जवाब। कोई फिक्र न करे, अवाम की फलाह के तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पंजाब असेंबली आमद पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान बोले, नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाएगा। नई पंजाब असेंबली में पहली करारदाद जमा। करारदाद तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी की जानिब से जमा कराई गई।